तो क्या हाल चाल पब्लिक। तो गाइस आप लोग का कॉन्करर रैंक पुश कैसा चल रहा है? तो मेरा भी अभी थोड़ा थोड़ा ठीक ही चल रहा है। आप लोग का कैसा चल रहा है कमेंट में जरूर बताना। हम उतरते हैं नया सिटी, ठीक है। नया सिटी उतरते के साथ मेरे को गन वन तो मिलते नहीं है, मैं बहुत गन वन खोजते रहता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम में भाई आप कम से कम भी कोशिश करना, जरूर से जरूर एक दो किल निकाल लेगा क्योंकि लास्ट में सर्वाइव करोगे तो भाई आपको किल मैटर करता है। क्योंकि किल मैटर करने, देखो कॉन्करर करने के लिए आपका किल मैटर जरूर करेगा और भाई लो एंड डिवाइस में तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। इसलिए हमेशा कोशिश ज़रूर करना कि दूसरे बंदे का किल चोरी करने का, ठीक है। तो मैं रहता हूँ यहाँ पे और मेरे को सामने पता चलता है, मेरे को दिखता है सामने बंदा। देखो फिर क्या करता हूँ आप, देखो मैं तो बंदे को लॉक कर देता हूँ, मैं तुरंत फिनिश करता हूँ क्योंकि भाई इस गेम में मतलब कॉन्करर रैंक पुश में गेम पे भाई आपका फुल डिपेंड करता है आपकी किल, आपकी किल कैसे है और भाई आपको कितने प्लस निकाल रहे हो एक मैच में और एक दिन में कितने घंटे खेल रहे हो, ठीक है। तो मैं जैसे इस बंदे को मारता हूँ इसका दूसरा बंदा करता है मेरे प्लस, तो मैं थोड़ा होल्ड करके बैठा हुआ रहता हूँ। अब देखो कैसे इसको लपेट करते, देखा मैंने दोनों बंदे को लॉक एंड फिनिश दिया क्योंकि भाई मेरे को पता है कि मेरे पे थर्ड पार्टी कभी भी हो सकती है क्योंकि आज मेरे साथ बहुत गंदा हुआ है, बार बार माइनस खाया। उसके बाद मैंने बोला यार नहीं होगा भाई, बार बार थर्ड पार्टी हो रहा था मेरे पे। कम से कम मैंने 3 से 4 मैच पे मेरे को 20-20 का माइनस लगा, एक में 28 का लगा था और भाई इतना माइनस लगा कि फिर मैं टूट चुका था। मैं बोला था नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने फिर बोला यार हार गया तो हो गया, फिर मैंने बोला नहीं। अब मेरे पे दो बंदे रस कर रहे थे और भाई ये दोनों बंदे कितने, मैं इतना गलती खेल गया ना इसमें, मैं पैनिक हो जाता हूँ इस सिचुएशन में, ठीक है। इस सिचुएशन में भाई आप लोग पैनिक मत होना जैसे मैं होता, देखो फिर मैं कैसा पैनिक होता हूँ। देखा मैंने कैसा पैनिक हो गया, इसलिए मैं बोलता हूँ यार कभी भी फाइट लेने से मैं पैनिक मत होना, पैनिक हो गए तो यार फिट जाओगे। तो मैं यहाँ पे पैनिक होके फिट जाता हूँ तो फिर मैं बोलता हूँ यार मेरे दो किल निकालना ना कम से कम। अब मैं टॉप 10 भी जाता हूँ ना, मतलब टॉप 20 भी जाता हूँ तो मेरा माइनस नहीं लगेगा, टॉप 20 तक मेरा प्लस लगेगा। और भाई मैं बोलता हूँ तो मैं उतर गया यहाँ पे इस वाले लोकेशन पे, ठीक है। अब इस वाले लोकेशन पे मैं इसलिए उतरा कि भाई कि मेरा थोड़ा सा मतलब फ़ोन अभी हीट नहीं हुआ था, फ़ोन हीट होने के कारण मतलब लैग वैग करता है ना, तो मैं इस वाले लोकेशन पे उतरा था कि भाई यहाँ पे मैं आऊँगा तो एक दो बॉट भी आ सकते हैं और बंदे भी आ सकते हैं और भाई जो बंदा इक्वली मतलब दूसरा बार में फाइट नहीं लेना चाहता वो यहाँ पे कभी मत उतारना। मैं बोलता था ये हॉट ड्रॉप हो जाता है हल्का फुल्का। तो मैं इस लोकेशन से सोच रहा हूँ यहाँ पे बंदे तो आ जाएंगे, तो मेरे को मैं फ़ोन थोड़ा हीट हो चुका था तो मैंने बोला ये लोकेशन से हट के मेरे को ये लोकेशन मतलब ये साइड पे लूट चाहिए क्योंकि मेरे को मारने के लिए बंदे को लूट चाहिए था। तो मैं इधर से आ ही जाता यहाँ पे शॉप पे, मैं जैसे आता हूँ मेरे को दिखता है गाड़ी। अब देखो इसके साथ अब देखो मैंने ऐसा फायर टट्टी स्प्रे दिया कि वो बंदा निकल गया, वो बंदा अब आने वाला नहीं था, ठीक है। मेरे को पता था कि भाई वो भी कॉन्करर रैंक पुश कर रहा था, उसको गलती से गाड़ी टकरा के रुकी हुई थी। तो मैं इस वाले लोकेशन पे आ जाता हूँ तो मेरे को सामने होता है बंदे, ठीक है। अब मेरे को तो पता था यहाँ पे सामने बंदे, बाकी मैं एक कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा लेट फाइट लूँगा, समझे, जैसे पूरे ओपन में आने के बाद बंदे से फाइट लेना होता है ना, मैं वो करूँगा क्योंकि मैं बंदे को पूरा लॉक एंड फ्री दो। देखा सामने आया था बंदा भी तलवार वाला यूज़ करके शैडो ब्लेड, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं यार आप कर लो शैडो ब्लेड यूज़ कर लो जो या कुछ कर लो। अब मेरे को पता है अब यहाँ पे है बंदे तो मैंने बोला देखता हूँ सर्कल कटेगा तो यहीं पे सामने साइड हो रही है फाइट, मतलब तो सामने साइड फाइट हो रही तो मेरे को लगा था मैं थर्ड पार्टी करूँ, फिर बोलता नहीं ये गलती कभी नहीं करना थर्ड पार्टी का, ठीक है। थर्ड पार्टी के चक्कर में तुम्हारे पे बहुत बार थर्ड पार्टी हो जाएगा। तो उसके बाद देखो 23 बंदे लाइव है अब सामने ओपन से इस बंदे को मैं लॉक एंड फिनिश करता हूँ। इसका दिखता हूँ मैं दूसरा टीममेट, सामने मेरे को दूसरा इसका टीममेट दिख रहा था। अब देखो ये ऊपर जा रहा था, इसको कैसे लपेटता हूँ। जैसे इस बंदे को मैं डैमेज देता हूँ मैं सोचता हूँ यार कि उतना सोचने का नहीं डायरेक्ट घुसने का, क्योंकि भाई उसको मैंने बहुत ज़्यादा लॉक किया था और वो बंदा हील कर नहीं सकता क्योंकि उसके पीछे भी बंदे थे और इधर भी। तो मैं आता हूँ इस वाले बिल्डिंग पे, ठीक है। अब बिल्डिंग पे आने के बाद मैं सोचता हूँ यहाँ से तो बंदे दिखेंगे नहीं, मैं चलता हूँ सबसे टॉप पर, चलता हूँ वहाँ पर कोशिश करता हूँ, नहीं वहाँ पर नहीं जा रहा, इस पर चलता हूँ। अब मेरे को लेफ्ट साइड में दिख जाता है बंदा, देखो कितना मासूम बंदा दिखा, ये देखो ये बंदा तो इजीली मर जाता है। इस टीम को मैं तो इजीली मार देता हूँ, 5 किल हो चुके थे लिटरली, मेरा 5 किल तो हो चुका था तो मैं खुश था यार कि मेरा 5 किल तो हो गए कम से कम। तो अब देखो गाड़ी वाला, गाड़ी वालों को इतना ज़्यादा डैमेज देने के बाद ही बंदा उतरता नहीं तो मेरा मूड हो जाता है ख़राब क्योंकि भाई इतना हेड मारने के बाद बंदा नहीं उतर रहा है तो क्या करूँ मैं। अब देखो यहाँ से तो सर्कल आगे साइड कट रहा था तो मैं आ गया था इस वाले लोकेशन पे। अब देखो सामने बंदा, अब ये बंदा शैडो ब्लेड को यूज़ करके ये बंदा बच जाता है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ यार ऐसा नहीं होने वाला,
अब देखो यहाँ पे तो अच्छे खासे बंदे भी गए, टॉप 11 में हम आ चुके थे। अब देखो मैं बोलता हूँ यार, यहाँ पे से देखता हूँ का बंदा दिखे तो मारता हूँ। देखो अब सामने दिखता है मेरे को एक बंदा, देखो खिड़की से पिक लिया हुआ है। इस बंदे को डबल हेड मार के मैं लॉक करता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ यार रश करता हूँ, ठीक है। अब मैं देख रहा था रश करूँ या ना करूँ, फिर मैं बोलता हूँ यार कर ही देता हूँ यार, उतना सोचने का नहीं, ठीक है। अब बंदे पे मैं तो रश कर रहा था भाई शैडो ब्लेड यूज़ करके, क्योंकि भाई कोई भी मारेगा बंदा तो भाई शैडो ब्लेड मेरे को बचा लेगा। तो ये सोच के मैं इस वाले लोकेशन में पेड़ के पास आके मैं होल्ड करने लगता हूँ कि भाई वो तो रिवाइव हो गया, मेरे को पता है। तो मैंने थोड़ा क्लोजिंग भी कर लिया हूँ क्योंकि इधर से आएगा तो पड़ेगा तो मैं मारूँ। अब देखो मैं यहाँ पे बहुत मस्त बैठा हुआ था, जब तक मेरे को एम्फर ग्लेशियर वाला मारने लगा पीछे से, जब तक मैं इधर आता हूँ, जब तक गाड़ी स्टार्ट करता तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो अब इस वाले बंदा तो यहीं पे बाकी नीचे कूद नहीं रहा था, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो तो इस बंदे ने मैंने को इजीली लॉक एंड फिनिश कर देता है।